धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश महाकाल के लाल ने जो आह्वान किया और सभी ने उसका बहुत मनोभाव के साथ उस संदेश को सुना। यदुवंशियों के लाल ने अपने भाइयों से अपील करी और भाइयों ने उस अपील को स्वीकार किया। अब मैं इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी जिनको सुनने के लिए बड़ी देर से आप लोग ललायत हैं, मैं ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने सुशासन की एक नई इबादत खड़ी करी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बुला रहा हूं। जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य श्री सत्यपाल सिंह सैनी जी, माननीय सांसद श्रीमती संघ मित्रा मौर्य जी, पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष संभल श्री हरेंद्र सिंह चौधरी जी, पूर्व विधायक श्रीमती पुष्पा यादव जी, पूर्व विधायक गुन्नौर श्री अजीत यादव राजू जी, मान्य विधायक गण श्री महेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष बदायूं श्री राजीव गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के बदायूं लोकसभा सीट पर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, गुन्नौर और बदायूं लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, इस पावन धरा को जो वीर भूमि है, अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण के चुनाव की दिशा से आप सब कमर कसकर के तैयार हैं, आपका उत्साह इस बात का साक्षी है और आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। बहन और भाइयों, मैं आज देख रहा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो एक गठबंधन है, यह देश के अंदर अलग अलग लोगों से मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। उनका कोई उद्देश्य नहीं, देश के हित में नहीं है, विकास के लिए नहीं है, लोक कल्याण के लिए नहीं है, सुरक्षा के लिए नहीं है, एक ही उद्देश्य है कि भारत के हितों को कैसे चोट पहुंचाई जाए। और इसलिए सपा और कांग्रेस के गठबंधन को दिया जाने वाला वोट यह ऐसे ही है जैसे किसी अनाड़ी के हाथ में ट्रैक्टर पकड़ा करके कहा जाए कि चढ़ा चलाओ और वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला दे तो क्या करेगा वो, और ट्रैक्टर से न जाने कितने लोगों को मार डालेगा। ऐसी स्थिति इन लोगों की है। ये जो दो लड़कों की जोड़ी बनी है ना, ये जिंदगी भर लड़के ही बने रहेंगे। बहन और भाइयों,
मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो साफ स्पष्ट यानी फर्क साफ करता है 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत देश में अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा की भावना थी, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थी, अराजकता का सा माहौल था, आतंकवाद चरम पर था, बम विस्फोट कहीं भी हो जाते थे, नक्सलवाद तेजी के साथ पांव फैला रहा था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी और दुनिया में भी भारत का कोई सम्मान नहीं था। 2014 के बाद का भारत, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आज कोई दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता और बम विस्फोट नहीं होते, आतंकवाद नक्सलवाद पर नियंत्रण किया जा चुका है। बहनों और भाइयों, अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो कहीं लेने का देने ना पड़ जाए। ये नया भारत है, कोई थप्पड़ मारेगा तो थप्पड़ लगने के पहले ही जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ करके फेंक देगा। और इसीलिए इस नए भारत से अब इसकी सामर्थ्य और शक्ति के बल पर कोई दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखाता है, बल्कि भारत के सामने आज दुनिया नतमस्तक है। और इसलिए बहनों भाइयों, जो भारत हमें आज मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा और सम्मान दे रहा है, वही भारत आज विकास के बड़े बड़े कार्य कर रहा है। आप देखो ना, गंगा एक्सप्रेस वे तो यही बन रही है, 94 से 95 किलोमीटर अकेले बदायूं जिले में है। और बहनों और भाइयों, इस एक्सप्रेस वे से यहां की इकोनॉमी में बहुत वृद्धि होने वाली है, यहां के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उद्योग लगेंगे तो यहां पर व्यापार और उद्योग को भी एक नया माहौल मिलने वाला है। लेकिन साथ साथ अगर आपको दिल्ली जाना है तो यहां से मात्र 1 से 1.5 घंटे में दिल्ली की दूरी, और अगर लखनऊ और प्रयागराज जाना है तो लखनऊ को 4.5 घंटे में और प्रयागराज की दूरी मात्र 5.5 घंटे में आप पूरी कर सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद। बहनों और भाइयों, ये है नया भारत, और नए भारत के रूप में विकास के कार्य केवल एक्सप्रेसवे तक नहीं है, हाईवे बन रहे हैं, बिजली मिल रही है, हर घर बिजली भी है तो हर घर नल की योजना भी है, हर घर उज्ज्वला योजना की भी है, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए आवास भी है और किसान को किसान सम्मान निधि भी है, गरीब के लिए राशन भी है तो बीमार के लिए दवा भी है, यानी दवाई भी। आप सोचो 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, 80 करोड़ लोग, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 करोड़ लोग वहां भूखों मर रहे हैं। देखो 1947 में भारत को बांट करके पाकिस्तान बना, और बड़ी ठसक के साथ इन्होंने पाकिस्तान बनाया कि पाकिस्तान खुशहाल होगा, आबादी कम गई, क्षेत्रफल ज्यादा गया पाकिस्तान में। लेकिन बहनों और भाइयों, आज पाकिस्तान में 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है, 1 किलो आटा के लिए ऐसे लड़ते हैं जैसे गली में आप बहुत सारी चीजों को देखते होंगे, लड़की एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग गली में बहुत सारे जीव भिड़ते हैं, ऐसे पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए लोग भिड़ते हैं। और भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं,
और मोदी जी ने चुनाव के पहले ही व्यवस्था दे दी कि अगले 5 वर्ष तक हम इसको निरंतर जारी रखेंगे। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, और उत्तर प्रदेश में तो हमने भी व्यवस्था कर दी है, अगर कोई बीमार है उसका चेहरा नहीं देखते, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई पदाधिकारी और स्वयं पीड़ित भी अगर एक पत्र भेज देता है ना मुझे कि मैं बीमार हूं, मेरे परिवार में फलाना व्यक्ति बीमार है, उपचार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो मैं मोदी जी के द्वारा खोले गए जनधन अकाउंट में पैसा सीधे उसके खाते में भेज देता हूं, कहता हूं निश्चिंत होकर उपचार कराओ। 50 करोड़ गरीबों के खाते खोले हैं जनधन अकाउंट के, जो पहले कमीशनखोरी होती थी सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार में, आज जनधन अकाउंट ने उस कमीशनखोरी को पूरी तरह बैन कर दिया है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया है। कांग्रेस के समय क्या था, पहले तो कनेक्शन नहीं मिलता था, और जिस बेचारे ने कनेक्शन ले रखा है और पर्व और त्योहार के दिन या किसी दिन कोई मेहमान आ गया और रसोई गैस का सिलेंडर समाप्त तो हुआ, अगर परिवार का मुखिया सिलेंडर लेने के लिए जाता था तो कांग्रेस की केंद्र में और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, पुलिस का डंडा जरूर मिलता था। और बहनों और भाइयों, पुलिस का डंडा भी मिलता था, और अगर बच के आई गए घर और खाली सिलेंडर लेके आए तो घर में बेलना से अलग से मार पड़ती थी, यही होता था ना, होता था ना। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी ने ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर दी कि रसोई गैस की किल्लत नहीं, और जिन घरों की सामर्थ्य नहीं थी कि खरीद पाएंगे, ऐसे 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस फ्री में दे दिया। और फिर कहने के लिए आए, जितने लोग बचे होंगे आप में से कोई भी सिफारिश करेगा उसको रसोई गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए, जिसको आप कहेंगे मकान देने के लिए मकान नहीं है उसको मकान भी मिल जाएगा, ये भी घोषणा मोदी जी ने कर दी है। बहनों और भाइयों, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और अभी हम लोग संभल से आ रहे हैं, मोहन या डॉक्टर मोहन यादव जी भी